हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड नंबर की पोस्ट है सैनिटरी इंस्पेक्टर की। टोटल वैकेंसी की अगर बात की जाए तो एक ही वैकेंसी है, ओपन कैटेगरी की पोस्ट है, यानी कि हर कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। एज क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो 21 से 30 तक के ही एज क्राइटेरिया के दे रखा है। जो भी स्टूडेंट इसमें एज क्राइटेरिया में बैठते हैं तो अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। पेमेंट की बात की जाए तो 4200 ग्रेड पे दे रखा है, यानी कि ये रेलवे के इक्विवेलेंट ग्रेड पे है, सैलरी अच्छी रहेगी। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BSc मांगा गया है। BSc आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ में या एग्रीकल्चर के साथ में या एनिमल हस्बेंड्री के साथ में, किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ में आपका BSc कंप्लीट होना जरूरी है। और सेकंड नंबर की बात है डिप्लोमा इन सैनिटेशन एंड पब्लिक हाइजीन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी कि जो आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा है तो यहाँ पे वो अप्लीकेबल है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सैनिटेशन जो भी लिखा है सैनिटरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब जो आपका इसका पेपर होने वाला है, पेपर की बात की जाए तो सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो पेपर होगा वहाँ पे आपको जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग पे प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस पे प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन पे प्रश्न पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके 50 क्वेश्चन आएंगे। ओके, और कोर्स ऑफ डिग्री जो भी BSc आपका हुआ है, BSc से रिलेटेड और जो सैनिटेशन एंड हाइजीन से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाएंगे, वो रहेंगे 50 मार्क्स के। ठीक है, तो ये टोटल आपका 100 क्वेश्चंस का पेपर होएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, उसको आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इस पूरे पैटर्न पे आधारित हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है। इस पे जो भी पहले के मॉक ओल्ड पेपर है उसके साथ में मॉक टेस्ट हुई थी, तो सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। इसके वीडियो लेक्चर भी हम जल्द से जल्द आपको अवेलेबल करवा देंगे। स्पेशली हमने शिक्षा मंत्रा ऐप अवेलेबल करवा दिया है सैनिटरी इंस्पेक्टर के स्टूडेंट के लिए, तो उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये सारा सिलेबस हम कवर करवा देंगे। ओके, तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। चालान की बात अगर की जाए तो चालान यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, जो ये अभी ओपन की पोस्ट है तो ओपन का ही चालान आपको पे करना होगा। तो यहाँ पे 1200 रुपये आपका चालान रहने वाला है। ओके, चालान आपको ओपन की पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो ओपन के ही चालान भरे जाएंगे, जो जनरल के है तो 1200 रुपये आपका चालान यहाँ पर रहेगा दोस्तों। उसके साथ में अगर देखा जाए तो अप्लीकेशन करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है, अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। 1/12 से आपका अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और 31/12/2022 तक के ही आपको अप्लाई करना है। ओके, लास्ट डेट यानी कि 31/12 है। ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका जो लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट पब्लिश डेट जो है, जो भी लिस्ट लगेगी वो 20 जनवरी 2023 को लग जाएगी, जो इसके लिए अप्लाई पोस्ट जो भी इसके लिए पेपर दे सकते हैं उनकी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो दे रखा है 10 या 12 तारीख का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ओके, किसी भी एक दिन इसमें हो जाएगा आपका पेपर। इन्होंने ये भी दे रखा है कि डेट चेंज भी हो सकती है। ओके, स्टार्ट डेट ऑफ एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड डाउनलोड का जो डेट है 1 फरवरी 2023 से एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकेंगे। ओके, तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई की जो प्रोसेस है वो कैसी है देख लीजिएगा। ऑनलाइन अप्लीकेशन करना है। इनविटेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलोइंग वैकेंसी पोस्ट ऑफ द लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड, इसका भी इन्होंने वेबसाइट दे रखा है। यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाएंगे आप, और ये दो वेबसाइट दे रखी है। यहाँ पर जाने के बाद आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, और अच्छे से फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अगर आप एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। सैनिटरी इंस्पेक्टर की ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसीज अब निकलने वाली है, क्योंकि हमने भी उसके लिए बहुत प्रयास किए हैं। गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, कई सारे जगह पे हमने लेटर भेजे हैं, और उसका ही नतीजा है कि वैकेंसीज आ रही है। कम वैकेंसीज है पर वैकेंसीज आ रही है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।